हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मज़े में होंगी। आज आप लोग सोच रहे होंगे, मैं यूजुअली लेंस वेयर नहीं करती अपने डेली व्लॉग्स में। अगर मैं कहीं बाहर जा रही होती हूँ तब पहनती हूँ, बट आज मैंने घर में भी लेंस लगाए हुए हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों लगाए हुए हैं। कई दिनों बाद आज आई थॉट कि मैं अपने कुछ इंस्टाग्राम के लिए कॉन्टेंट बनाऊँ, और वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। इट्स बिन 2 मंथ्स कि मैं बिल्कुल भी अपने इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट नहीं बना रही हूँ, बट यू नो थोड़ा सा प्रेशर होता है ब्रांड्स का, क्योंकि ऑब्वियसली मैं व्लॉगिंग के साथ साथ मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो अभी जाके फॉलो कर लीजिए, मेरी ये साइट पर आ रहा होता है, ठीक है। थोड़ा प्रेशर भी है ब्रांड्स का, क्योंकि काफ़ी दिन से पेंडिंग है मेरे काफ़ी सारी चीज़ें। तो अच्छा जी, ये मैंने अपने कुछ ड्रेसेस निकाले हैं, अपने नहीं मतलब ये मुझे ब्रांड से आए हुए हैं। वीडियो शूट करनी है और काफ़ी दिन से पेंडिंग थी तो मैं नहीं कर पा रही थी। और मेरे रूम का हशर, आई कांट शो यू राइट नाउ कि क्या हशर हो रहा है मेरे रूम का। ये अभी आप लोग बैक पे देख रहे होंगे, सारा मेरा फिल्मिंग सेटअप लगा हुआ है। और विल्दान भी शायद आपको दिख रहा हो, यहाँ विल्दान इज स्लीपिंग राइट नाउ। और मैंने भरपूर मौके का फ़ायदा उठा के मौके पे चक्का मार दिया और मैंने कम अपनी स्टाइलिंग वीडियो बना लूँ। दिस इज़ माई रिंग लाइट, बाय द वे ये मैंने न्यू रिंग लाइट ली है, आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी, प्रॉपर दिखाऊंगी। और ये बड़ी मज़ेदार सी, इसमें बहुत सारी लाइट्स हैं, मतलब कोई 10-12 लाइट्स होंगी इसमें, मैं आपको दिखाऊंगी सारे। यहाँ मैंने आपके कुछ शूज़ निकाल के रखे हुए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी कुछ ज्वेलरी है जो कि मैंने मैचिंग ज्वेलरी निकाली हुई है। बाय द वे आज मेरा प्लांट्स का वाटर डे था जो कि मैंने आज नहीं दिया। अपनी वीडियो फिल्म करके सबसे पहला काम ये करूँगी, मैं पानी दूंगी। 2-3 वीक से मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं अपनी स्टाइलिंग वीडियो करूँगी करूँगी, बट मैं नहीं कर पाती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर की भी, तो मैं नहीं मतलब टाइम निकाल पाती। और सुबह से लगी हूँ, फिर कोई ना कोई काम आ जाता है, तो ऑब्वियसली फिर वो डिस्टर्बेंस हो रही होती है, बार बार तो नहीं होता। सो आई थिंक आई शुड। अच्छा जी, मेकअप मैंने कर लिया है लाइट लाइट सा, बिल्कुल सटल सा, क्योंकि ड्रेसेस मैं चाह रही हूँ 3 मेरे ड्रेसेस हैं तो उनके साथ में मेरा कोई ऐसा मेकअप हो जो कॉम्प्लीमेंट करे तीनों ड्रेसेस को। तो उसके साथ ये इसी तरह का जा रहा था, और मैंने सोचा कि मैं लिपस्टिक जो है वो मैट लगाऊं, और दिस इज़ मैट लिक्विड लिपस्टिक, क्या इसका नंबर है, बॉडी शॉप की है ये, रोज़ का। मेरी बिल्कुल फिनिश्ड है बिल्कुल, तो मुझे ये लेनी है क्योंकि मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ तो मेरी ख़त्म हो जाती है। राइट नाउ आई एम जस्ट कर्लिंग माई हेयर, और मैं हेयर कर्ल करते करते बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं नेटफ्लिक्स चला लेती हूँ और फिर अपनी हेयर स्टाइलिंग करती हूँ, यूजुअली ऐसा होता है। अच्छा जी, नेटफ्लिक्स की बात आई है तो नेटफ्लिक्स पे आप लोग आजकल क्या क्या देख रहे हैं? नहीं, नेटफ्लिक्स सीरीज देखने की आदत हो गई है, मतलब मैं देखे बिना सोती नहीं हूँ। और वाओ, आई होप ये ऐसे रहें। एक वक्त था जब मैं बिल्कुल भी मूवीज़ नहीं देखती थी, बट आजकल लाइक मुझे अच्छी लग रही है मूवीज़, खासतौर पर सीरीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि आप उससे कनेक्ट करते हैं और फिर वेट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड का, बहुत ज़्यादा इंगेज्ड रहते हैं। तो मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ आजकल सीरीज़ देखना, और मैंने 2-3 सीरीज़ ख़त्म की हैं। लाइक मैंने बोल्ड टाइप देखा, ओह माय गॉड, मस्ट वॉच गाइज, बहुत ही ज़बरदस्त एम्पावरिंग सीरीज़ है, बहुत लाइक मोटिवेशनल सीरीज़ मैं उसे कहूँगी। फ़नी भी है, कॉमेडी भी है उसमें। और एक और मैंने देखी डेड टू मी, डेड टू मी वॉज लाइक, वो भी बहुत अच्छी, वो उसमें भी फ्रेंडशिप दिखाई गई है, और बोल्ड टाइप में इतनी ज़बरदस्त फ्रेंडशिप दिखाई गई है, तीन फ्रेंड्स की बहुत ज़बरदस्त फ्रेंडशिप दिखाई गई है, विदाउट लेटिंग एनीवन डाउन, वो एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं हर मुश्किल में। और लाइक आपको देख के दिल चाहेगा कि मतलब हमारी भी काश इस तरह की फ्रेंडशिप हो। और आजकल मैं एक सीरीज़ देख रही हूँ वर्जिन रिवर, वो बहुत अच्छा है, मतलब एक ड्रामा टाइप का है, रोमांटिक, लोकेशंस दिखाई गई हैं, आप वो देखने दिल चाहेगा कि आप लोग जी रहे हैं लाइक उस सीरीज़ को। और उसमें कास्टिंग बहुत अच्छी है, मुझे उसकी हीरोइन बहुत अच्छी लगती है। मैं अभी तक की जो मेरी फेवरेट है मनी हाइस्ट तो है ही है, और आई एम जस्ट वेटिंग कि कब उसका नेक्स्ट सीज़न आए। रात को सुनने में आ रहा है कि उसका आ रहा है सीज़न, लेट्स सी के कैसा होता है वो अपकमिंग सीज़न। और आप लोग मुझे रेकमेंड करेंगे कौन कौन सी सीरीज़ मुझे देखनी चाहिए। आई थिंक अगर आप कोई
सॉन्ग सुनते हुए तैयार हो या कोई सीरीज देखते हुए तैयार हो तो आप लाइक जल्दी जल्दी तैयार होते हो. मैंने ये नोटिस किया है. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस. गुड गर्ल्स, एक मैंने सीजन देखा गुड गर्ल्स, वो भी बहुत अच्छा है. लाइक उसमें तीन दोस्तें होती हैं, उसमें फ्रेंडशिप दिखाई गई है. और एक एमिली इन पेरिस, वो मैंने देखा, वो भी एक काफ़ी अच्छा मज़े का सीज़न था. और गुड गर्ल्स बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा. उसमें भी फ्रेंडशिप दिखाई गई है तीन लड़कियों की. बहुत अच्छी लड़कियाँ होती हैं, वो फिर बुरे कामों में लग जाती हैं. मतलब फैमिली ओरिएंटेड गर्ल्स होती हैं. वो भी ज़रूर देखिएगा. मैं ज़्यादा नहीं डीप में जा रही, फिर आप लोग बोलेंगे सिद्रा ने हमारा सारा टेम्पो स्पॉइल कर दिया, अब हम क्या देखें, इसने तो सारी स्टोरी बता दी. सो ऑल मेरे सारे कर्ल हो गए हैं, बाल मैंने थोड़े से लूज कर्ल किए हैं ताकि लाइक वो टाइट वाले कर्ल्स मुझे अच्छे नहीं लगते. एक फ्रेंड थी, वो कहती थी कि कैसा सीख कबाब टाइप हेयर स्टाइल है. वो नहीं होते बिल्कुल टाइट से कर्ल्स होते हैं, बट ये लूज लूज कर्ल्स अच्छे लगते हैं, इसे बहुत अच्छा और गॉर्जियस लुक आता है. ओके गाइस, सो दिस इज़ माय फर्स्ट आउटफिट एंड दिस इज़ फुली ब्लैक आउटफिट. और आजकल मुझे बड़े ब्लैक आउटफिट आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई. अच्छा ये है जी बहुत ही खूबसूरत ड्रेस एंड ये है जी इत्तेहाद बाय फैज़ा फैसल. बड़ा ही खूबसूरत ड्रेस है, फुल ब्लैक है. इसके साथ मैंने ये वाली सैंडल्स वेयर की हैं. यस, ये वाली मैंने सैंडल्स वेयर की हैं. अभी दो ड्रेसेस और रहते हैं और बिलदान उठ चुका है, बट मुझे करना है काम. आज मैंने सोचा है मैं करके रहूँगी तो मैं करके रहूँगी. लोग आप लोग मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि लोगों को कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगा. तो ये एक मिनट की वीडियो दस घंटे कुछ एग्जैजरेट कर दिया मैंने. दो तीन घंटे की मेहनत होती है जिसकी एक मिनट की वीडियो बनती है इंस्टाग्राम पे. तो बड़ी अच्छी वीडियो बनी है, मज़ेदार वीडियो बनी है. आप लोगों को देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाइएगा और चेक कीजिएगा. तो आई थिंक आई शुड मूव ऑन टू माई नेक्स्ट ड्रेस. सो मैं दिखाती हूँ अभी आपको. हाई विल्दान, सी वॉट मामा इज़ डूइंग. तो अब मुझे नेक्स्ट ड्रेस ये पहनना है, उसके बाद ये. यार ये इतना इसको प्रेस किया उसके बाद भी क्रीजेज आ जाती हैं. आई जस्ट हेट आयरनिंग, बहुत बुरा काम लगता है मुझे. तो अब मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ और फिर आपको दूसरा लुक भी दिखाऊंगी. हाय बाबा बाय न्यू. और मेरा काम खत्म होने से पहले ही विल्दान उठ चुके हैं और मेहरान भी आ चुके हैं. अब मुझे मेहरान के होते हुए मेरी बेड की अभी हालत देखने टाइप नहीं हो रही. मेहरान आप कहाँ बैठेंगे? मैं लेट आऊंगा. अब मुझे मेहरान के होते हुए काम करना पड़ेगा. इनफैक्ट बल्कि ये अच्छा हो गया नहीं, अब मेहरान भी हेल्प करेंगे. टेक माय पिक्चर्स. Wow, isn't it great? Yes, it is. Okay, guys, so this is my second outfit. और ये है जी चिकनकारी का ड्रेस है. इसके ऊपर प्रिंटेड लॉन के साथ डिजाइनिंग की गई है. वाइट जो है मेरा पर्सनल फेवरेट है. वाइट ब्लैक किसे नहीं पसंद होता. वाइट ब्लैक एंड रेड ये एक यूनिवर्सल फेवरेट कलर्स हैं जो सबको पसंद होते हैं. तो इसके साथ मैंने पर्ल इयररिंग्स कैरी किए हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें तो इसके ऊपर ही पर्ल का बना हुआ है. ये बहुत ही कोई क्यूट सा इस पर ब्रूच लगा हुआ है. This is my full look. और अब guys, this is my third outfit. और ये है जी खुशबू काजी, एक Instagram पेज है, वहाँ से उन्होंने जो सेंड किया था. जो आई थिंक मैंने विल्दान की बर्थडे पे बनाया था. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल आउटफिट. और इसके साथ मैंने ये बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी वेयर की है. ये मुझे कीकी स्कॉर्नर एक पेज है, वहाँ से आया था. आई मीन लव विद दिस ज्वेलरी. ये इंडियन स्टाइल की ज्वेलरी है. मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है. इट्स बिन 4 आवर्स कि मैं कंटिन्यूसली शूटिंग कर रही हूँ. अब मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए. अच्छा भाई, तो आप पूरा ड्रेस और पूरा ओवरलुक देख लें. दिस इज द ट्राउजर. आई जस्ट लव दिस ट्राउजर, बहुत अच्छा है ये. विल्दान, वेयर आर योर स्लीपर्स? वेयर आर योर स्लीपर्स? गो टेक स्लीपर्स अवे. व्हाट? Okay, sorry, Baba. Quickly, where are your slippers? ये देखिए क्या हशर किया हुआ है इसने सारा. Quickly bring slippers. What are you wearing? This is not yours. This is Mama? Yes. Okay, sorry. Green one.
Yes. No, ghost take away. Ghost take away? Yes. Oh, I am so tired. इतनी सुबह से मेरी स्ट्रगल स्टार्ट होती है जब मेरा कोई शूटिंग करादा होता है या कोई ब्लॉग शूट करने का इरादा होता है. बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और अब रात के 10-11 बजे और अब मैं जाके फ्री हुई हूँ एंड आई एम सो हंग्री. और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करें. व्हाट्स दिस मैन? पॉपिंग कैंडी. ये वो कैंडी है वो जो मुंह में जाके चटक 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 स्टार्ट हो जाता है. तो बिलाल ने अभी तक वो ट्राई नहीं किया है. हम लोग तो अपने बचपन में बहुत ज्यादा खाते थे. आर यू एक्साइटेड? यू वांट टू ईट दिस? ये पीछे बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही हैं उन्हें इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो सब लोग अपनी कैंपेन. अभी रात के 12 बजे कौन सी कैंपेन होती है? हाँ. What is this? What? Show your tongue. Do like this. Show your tongue. Huh? Touch your tongue here. What? You like it? You like it, Pildan? Look at me. इसका ASMR करते हैं मैं ना. इतनी अच्छी आवाज आती. What are you doing, Baba? What's happening? You like this thing? Don't eat it. Put it on your tongue. Open your mouth. Not a big deal. I'm a 21st century boy. It's not a big deal for me. Huh? And by chance. You but like? He's enjoying, man. You like it? You should. Thank you. Thank you. What? Thank you. Like it? You want more? आवाज को फील करें. वेट मामा वांट टू ट्राई. वेट मामा इट इन ऑल. ओह माय गॉड. गिव मी मामा. नो Oh my god. वो जल्दी लिखा रहा कर मेरी माँ खा रही है. ओके. यू लाइक इट? ओह अजीब यार मैं बहुत अजीब हो रहा है. मैं तो उसका टेस्ट भूल ही गई थी. कुछ कांट में हो रहा है कुछ अजीब सा. मैं यू वांट ट्राई प्लीज? इट्स फन. I don't like fun anymore. Why? Because I'm married. What? 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 क्या? ये क्या कहा है? मैंने. यार अजीब सा हो रहा है मैं यहाँ बहुत मूड. No. कुछ पटाखे से आ रहे हैं. Putin Dejin. Yes. आप देख रहे हैं हर जगह आपको सामान ही सामान नजर आएगा बिखरा हुआ. इसके टॉयज नजर आएंगे. तो वाकई काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कैसे रूम को मैनेज करती हैं. तो वाकई बहुत मुश्किल है मैनेज करना एक बीबी के साथ क्योंकि वो हर चीज़ जगह फैला रहा होता है. वो नहीं समझते बच्चे ऑब्वियसली छोटे होते हैं. तो मैं हर आधे एक घंटे बाद बार बार चीज़ें उठा उठा के इसकी रखती होती हूँ. ये देखिए जी एक मेरा प्लांट ख़राब हो गया और बहुत मुश्किल है इंडोर प्लांट्स रखना. आई डोंट नो मुझसे कहाँ गलती हो गई. मैंने इसकी रीपॉटिंग की थी तो शायद इसलिए ही ख़राब हो गया. रहे हैं ये वाला फार्म. ये बहुत अच्छा जा रहा है और एक वहाँ पे केम पम्प है. सो ये देखिए इसमें से न्यू लीव्स आ रहे हैं. ये भी मैंने एक न्यू प्लांट लिया है. ये भी बहुत अच्छा चल रहा है. थोड़ा सा ये ड्राई हो रहा है कॉर्नर से बट ओवरऑल ये बहुत अच्छा चल रहा है. इसकी न्यू ग्रोथ भी हुई है. ऐसी जो छोटा कैक्टस है जितना मैंने लिया था उतने का उतना ही है. ना ये बड़ा हो रहा है ना ये छोटा हो रहा है. Wow. Open it.
ये इतना मजे का पिज्जा होता है, ये डे नाइट पिज्जा का है ये। कुछ हॉट बहुत मजे का पिज्जा होता है, स्पाइसी होता है, इसमें ग्रीन चिली सॉस होती है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wow, you counted right slices. How do that? Thank you, Bobby. मुझे बिल्कुल लूडो नहीं पसंद, पहले पसंद होती थी। And daddy fion. Mom and daddy big, daddy fion. Ata baba. What? So guys, game has been officially started. और अब तो खैर मेट में भी आ गया है। बहरान की मैंने तीन अंडे भी कर दिए हैं। रहने दो बेटा। मैंने दो तीन तुम्हारी छोड़ी हैं। टारगेट मेहरान का ही है। छे दो ना। बेमानी, चलो तुम चलो। और दूसरा कब से बेमानी कर रही है? जी नहीं, अभी किया और मैं गलत टाइपिंग ले ली मैंने। ओके सो क्या है? दो दो और एक। दो पे मेरी गई, एक पे क्या करूं? एक यही है। ये भी मेरी बहुत ही, ओह माय गॉड। बस चलो चले इन करने के बाद। व्हाई ये हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके मेरी बहुत मारी है। मैंने यार मेरी नजर उन्हें गोटी, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, मैंने बचाया भी है तुम्हें। एक बार दूसरा अच्छा चार। मैं गाइस जीतते जीतते मैं इन सब की आउट, इन सब की चार चार थी और मेरी सिर्फ दो थी। मैं यहाँ था ना, मैं यहीं पे था। मेरे साथ जो किया है ना वो मेहरान ने किया है, मतलब सही बात है। नहीं थी मेहरान से, मेहरान ने मेरे साथ किया। उससे पहले क्या किया भरम में टक टक मेहरान की बात, टक 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 मेहरान की बात, टक। अभी मेरा और मेहरान का तगड़ा मुकाबला, मेहरान से पेच चाहिए था जो कि नहीं आया, दो आया पीछे, कह रहा मैं उधर था ना, मैं उधर ही था, तुम लोगों ने बेमान किया। और अभी मुझे सिर्फ तीन चाहिए। तीन चाहता फिर दो अबे चलो पूरा। अच्छा यहाँ पे अगर नहीं मर रहा होता ना कोई, मर रहा होता फिर फोन के देता। नहीं 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 आई वांट ब्रो, आई वांट, आई वांट। हाउ डू यू फील मेरा? इट्स 2-2, 2-2, I'm coming, तो जाना ही पड़ेगा अंदर। मेरा क्या? डिजिन डिजिन अभी ये वो स्टार्टर्स टाइप्स दो आए। डिजिन 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 नहीं, दो मेरा दो आए। कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। ओके गाइस, सो आई एम हियर साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रही हूँ, वर्जिन रिवर देख रही हूँ, और आई जस्ट लाइक दिस ड्रामा। बहुत ही अच्छा सूदिंग सा रोमांटिक सा ड्रामा है। सो मेरे कुछ व्लॉग्स हैं जो कि पेंडिंग हैं, विल्दान की बर्थडे सीरीज़ के कुछ व्लॉग्स हैं, वो एडिटेड हैं, अपलोडेड हैं, आई जस्ट हैव टू पब्लिश देम। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी उन्हें पब्लिश करूं, बट बीच में मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। अम्मी की तबीयत ख़राब थी, उसके बाद फिर मैं बिल्कुल ही ऑफ जा रही थी इंटरनेट से। मैं बिल्कुल भी एक दिल ही नहीं कर रहा था कुछ अपलोड करने का, एक्टिव रहने का दिल नहीं चाह रहा था। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं उन्हें अपलोड कर दूं। और भी बहुत सारे मेरे व्लॉग्स हैं, कुछ चाइना के हैं, कुछ मलेशिया के हैं, कुछ मैं अपने विलेज गई थी वहाँ के एक दो व्लॉग्स हैं, वो भी मैं वहाँ पे मैं अपने सारे रिलेटिव से मिली थी, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, वो भी मे बी मैं शेयर करूँ इस मंथ में।
तो इफ यू गाइस आर न्यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. बाय बाय, अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. अल्लाह हाफिज़.